वेलकम टू राइज एंड शाइन कॉमर्स हब इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे ये थियोरी ऑफ डिमांड चैप्टर फाइव का थर्ड पार्ट है दो पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं फर्स्ट पार्ट में हमने मार्केट और इंडिविजुअल डिमांड विद देयर स्केड्यूल एंड कर्व डिस्कस किया था और सेकेंड लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड डिस्कस किया था विद ट्रिक्स राइट तो उन दोनों ही लेक्चर्स की आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप उन वीडियो को वहां से एक्सेस कर सकते हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि व्हेन प्राइस गोस अप क्वांटिटी डिमांडेड गोस डाउन यानी कि तब रेट बढ़ेंगे कोई चीज महंगी होगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी और व्हेन द प्राइस गोस डाउन यानी कि जब रेट कम होंगे कोई चीज सस्ती होगी द क्वांटिटी डिमांडेड गोस अप क्या होगा डिमांड बढ़ जाएगी अब देखिए समझते हैं इस चीज को क्या कहना चाह रहा है सबसे पहली चीज इट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड डिमांड ऑफ ऑफ द कमोडिटी लॉ में आपको बेसिकली चार से पांच टर्म्स हैं जो की टर्म्स हैं की वर्ड्स हैं आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं ठीक है पहला क्या है इनवर्स रिलेशनशिप अब इनवर्स का मतलब क्या होता है इनवर्स मतलब होता है नेगेटिव उल्टा यानी कि अगर कोई एक चीज पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव है या फिर एक नेगेटिव है तो दूसरी पॉजिटिव है अब ये इनवर्स रिलेशन है किस किस के बीच का प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी हो गए ना देखिए अभी तक हमने तीन की देख लिए पहला इनवर्स रिलेशनशिप दूसरा प्राइस एंड डिमांड के बीच में ठीक है चलिए और चौथा क्या होता है अदर थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट अब इन चारों को ही हम बहुत अच्छे से देखेंगे इनवर्स मैंने आपको बता दिया प्राइस एंड डिमांड कैसे मान लीजिए कि आप रसगुल्ला लेने गए हैं पहले रसगुल्ला दस रुपए का एक था ठीक दस रुपए का था तो आपने क्या करा चार रसगुल्ले लिए, लेकिन उसका रेट दस से बढ़ के बीस हो गया तो आपने क्या करा सिर्फ दो रसगुल्ले लिए तो ये क्या हुआ कि जब रेट बढ़े तो आपने डिमांड कम कर दी और अगर इसका उल्टा हो जाता कि पहले 20 का मिल रहा था अब 10 का मिल रहा है तो पहले आप दो रसगुल्ले ले रहे थे तो अब आपने चार लिए क्या हुआ कि जब रेट कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई यही होता है लॉ ऑफ डिमांड यही होता है इनवर्स रिलेशनशिप कि अगर किसी एक चीज में कुछ इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी में डिक्रीज हो रहा है और वो दो चीजें हैं क्या पहली प्राइस और दूसरी क्वांटिटी डिमांडेड ठीक है चलिए अब तीसरी चीज क्या है अदर थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट अब ये अदर थिंग्स क्या है जितने भी डिमांड के डिटरमिनेंट्स थे जो हमने सेकेंड लेक्चर में देखे हैं राइट उनकी हमने ट्रिक भी बहुत अच्छी सी देखी थी जिससे आप उन्हें हमेशा के लिए रिटेन कर सकते हैं वो सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंट रहते हैं यानी कि सिर्फ प्राइस के ही चेंज होने की वजह से डिमांड पे फर्क पड़ रहा है बाकी और कोई भी चीज किसी भी और फैक्टर के में ना ही तो कोई चेंज हो रहा है इसलिए उसका कोई भी फर्क डिमांड पे नहीं पड़ रहा है ठीक है अब मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता आता ही आता है लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर तो आप क्या करेंगे पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर आप ये डिमांड स्केड्यूल बनाएंगे कैसे देखिए इसे अच्छे से देखना कि मान लीजिए कोई पेन है या कोई भी चीज है आप मान लीजिए समोसा है जब दस रुपए का समोसा था आपके यहाँ कोई पार्टी हो रही है तो आप पचास समोसे लेके आए जब आठ रुपए का समोसा हुआ तो साठ समोसे लेके आए छह रुपए का हुआ तो सेवेंटी चार रुपए का हुआ तो एटी और दो रुपए का हुआ तो नाइन्टी क्या चीज हमने इसमें नोटिस की कि जैसे जैसे रेट कम हुआ वैसे वैसे डिमांड बढ़ी और मान लीजिए इसका उल्टा होता कि पहले दो का था फिर चार का हुआ फिर छह का फिर आठ का फिर दस का तो ये पैटर्न भी उल्टा हो जाता कैसे कि पहले हमने नाइन्टी मंगाए फिर एटी फिर सेवेंटी फिर सिक्सटी फिर फिफ्टी क्या हुआ कि जैसे जैसे रेट बढ़ा वैसे वैसे डिमांड कम हो गई ठीक है जब आपको क्वेश्चन आएगा ये तो आप दोनों ही दो स्केड्यूल बना के दिखाएंगे एक वो जिसमें प्राइस अप हो रहा है और दूसरा वो जिसमें प्राइस डाउन जा रहा है ठीक है अब थर्ड चीज क्या आएगी ये डेग्राम बनाना ये कैसे बनता है हमने पहले देखा है कि हमेशा एक्स एक पे क्या आएगा क्वांटिटी डिमांडेड और वाई पे हमेशा क्या आएगा प्राइस आप इन ही पॉइंट को प्लॉट करेंगे और डिमांड कर बन जाएगा अच्छा एक चीज याद रखना डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है अब ये क्यों होता है हम ये नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे ठीक है चलो ये तो था लॉ ऑफ डिमांड और आई होप आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना ठीक है चलो नेक्स्ट क्या है अजम्पन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मैंने आपको अभी कहा कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कांस्टेंट रहते हैं यानी कि उनमें कोई चेंज नहीं होता है अब वो कौन सी चीजें होती हैं उन्हें देख लेते हैं देखिए सबसे पहले क्या है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर मतलब मान लीजिए कि आपको आपको कल या मान लीजिए अभी जिस टाइम पे आप कोई सामान खरीद रहे हैं आपको व्हाइट वाला रसगुल्ला पसंद है तो हम ये कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि थोड़ी देर बाद या एक दिन बाद या दो दिन बाद आपको गुलाब जामुन पसंद आने लगेगा या कोई और मिठाई पसंद आने लगेगी नहीं हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको हमेशा सिर्फ ये रसगुल्ला ही पसंद है यानी कि आपके टेस्ट में या आपके प्रेफरेंस में आपका टेस्ट बदला नहीं है जो आपको पहले पसंद था वो ही आज भी पसंद है ठीक है ये किया जाता है, दूसरा पॉइंट। इनकम ऑफ द बायर हम ये मान के चलते हैं कि अगर आपकी इनकम पहले ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज थी तो आज भी आपकी इनकम ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ही है हम ये नहीं मानते हैं इसमें तब लॉ ऑफ डिमांड में कि इनकम कम ज्यादा हुई है हम सिर्फ प्राइस कंसिडर करते हैं कि रेट कम या ज्यादा हुआ है जिसकी वजह से डिमांड कम या ज्यादा हुई है ठीक है थर्ड पॉइंट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज यानी कि मान लीजिए टी और कॉफी ले लीजिए चाय है और कॉफी है चाय पांच की है कॉफी सात की है तो हम ये नहीं मानते कि कॉफी का रेट और सस्ता हो जाएगा जिसकी वजह से लोग और ज्यादा कॉफी पीने लग जाएंगे नहीं ये नहीं माना जाता है ये माना जाता है जितने भी रिलेटेड गुड्स हैं जो ज, जिसका जो रेट है वो उतना ही रहेगा कॉफी सात की थी तो सात रुपए की ही रहेगी चलिए फोर्थ पॉइंट कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर यानी कि कंज्यूमर ये नहीं सोचता है कि मैं आज ही सामान खरीद लूं क्योंकि नहीं पता कि आने वाले टाइम में कहीं शॉर्टेज ना हो जाए ठीक है तो ये वाली चीज शॉर्टेज वाले फैक्टर को भी कंज्यूमर कंसिडर uh, नहीं करता है ठीक है तो ये हुए चार पॉइंट्स जिन्हें कंज्यूमर कांस्टेंट मान के चलता है इन चारों को हमने डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में बहुत डिटेल में बहुत डेप्थ में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था ठीक है आप इस इन सारे पॉइंट्स को तब वहां से देखेंगे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा राइट हमने उनकी ट्रिक भी देखी थी आप उसके थ्रू कभी नहीं भूलेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमने दो टॉपिक्स क्लियर कर लिए पहला लॉ ऑफ डिमांड और दूसरी उसकी असम्शन तीसरा क्या है मैंने आपको बोला था कि डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोप जाता है तो डाउनवर्ड क्यों जाता है उसके रीजन देखिए मेन ये होता है कि जब जब प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी यही रीजन होता है जिसकी वजह से डाउनवर्ड स्लोप होता है तो अब हम इसी रीजन को देखेंगे कि क्यों होता है कि प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ती है हम यही चीज देखेंगे इन पॉइंट्स में सबसे पहले है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है कम होना घटना गिरना मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन जो मिल रही होती है हमें हर एडिशनल यूनिट से ठीक है तो क्या कह रहा है ये लॉ कि जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है हर एडिशनल यूनिट से वो कम होती चली जाती है ये हमने पहले लेक्चर्स में भी देखा है फर्स्ट uh, यूनिट में देखा था ठीक है ये हमने अच्छे से डिटेल में देखा था मैं एक बार ही फिर आपको बताती हूँ क्या होता है मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है या फिर आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है कि आपको चॉकलेट्स खानी है तो जब आपने फर्स्ट बाइट मतलब कि पहला तब आपने चॉकलेट का पीस खाया जितनी सेटिस्फैक्शन आपको तब मिलेगी तब मिली होगी उतनी आपको तब नहीं मिलेगी तब आपने वो पूरी बड़ी सी चॉकलेट खत्म कर दी तो जितनी ज्यादा आप चॉकलेट खाते चले जाएंगे उतनी आपकी उससे सैटिस्फेक्शन कम होती चली जाएगी यही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि जितना हम कोई चीज ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतनी हमारी उससे सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी अब देखो जब हमें सेटिस्फेक्शन ही कम मिल रही है तो हम क्या सोचेंगे कि हम कम से कम रेट में ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद सके राइट right? तो यही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जिस जो एक रीजन होता है डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोप होने का एक बार देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एज कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस जैसे हम किसी भी चीज की कंजम्पशन बढ़ाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग टू अ कंज्यूमर तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती चली जाती है ठीक है अकॉर्डिंगली जिसकी वजह से फॉर एवरी एडिशनल यूनिट टू बी परचेस्ड द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे लेस एंड लेस प्राइस तो कंज्यूमर ये सोचता है कि जितना ज्यादा सामान खरीदू उसे कम से कम रेट पे खरीदू ठीक है अब सेकेंड पॉइंट इनकम इफेक्ट देखिए इनकम इफेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपकी तनख्वाह पहले बीस हजार थी तो अब पच्चीस हजार हो गई या पच्चीस हजार थी तो तीस हजार हो गई नहीं आपकी जो इनकम है वो उतनी की उतनी ही है लेकिन आपकी रियल इनकम में चेंज आ रहा है रियल इनकम यानी कि जो सामान आप खर्च कर रहे हैं जिससे आप सामान लाते हैं कैसे मान लीजिए कि कोई सामान कोई भी चीज मार्केट में पहले पचास रुपए की थी लेकिन अब उसका रेट तीस रुपए हो गया है लेकिन आपकी इनकम पहले भी हजार रुपए ही थी और आज भी हजार रुपए ही है तो जब वो पचास रुपए की थी आप तब ज्यादा खरीद पा रहे थे या जब वो तीस रुपए की थी तब ज्यादा खरीद पा रहे हैं ऑब्वियसली तब वो तीस रुपए की है है ना तो यही होता है इनकम इफेक्ट क्या रियल इनकम में चेंज आना यानी कि हमारी स्पेंडिंग पार में चेंज आना कि हम कितना खर्च कर सकते हैं किस वजह से क्योंकि प्राइस कम हो गया है इस वजह से अब क्या होगा इस रीजन से डिमांड एक्सपेंड करेगी यानी कि बढ़ेगी चलिए दो रीजन देख लिए थर्ड रीजन क्या है सब्सिट्यूशन इफेक्ट सब्सटिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है वही मान लीजिए कि एक चाय है और एक कॉफी है तो हम ये नहीं मान रहे हैं कि कॉफी के रेट जो हैं वो कम या ज्यादा होंगे हम क्या मान के चलते हैं कि सब्सटिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द ऑनर वेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीप यानी कि क्या हुआ कि आपने एक चाय है एक कॉफी है चाय मिलती है पांच रुपए की कॉफी मिलती है सात रुपए की क्या हुआ कि कॉफी और महंगी हो गई राइट दस रुपए की हो गई या पंद्रह रुपए की हो गई तो अब क्या करेंगे कॉफी तो क्या था सब्सटीट्यूट गुड था आप लेते तो चाय है तो अब जो लोग पहले कॉफी ले रहे थे वो भी क्या लेना शुरू कर देंगे चाय लेना शुरू कर देंगे है ना तो क्या होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी जब उसके जैसी मिलती जुलती दूसरी चीज जो आपको सेम ही लेवल के सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराती है उसके रेट बढ़ जाते हैं उसके रेट कम हो जाते हैं तो डिमांड पे अकॉर्डिंगली फर्क पड़ता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप कैसे देखिए पहले कोई सामान सौ रुपए का मिल रहा था अब वो सामान पचास रुपए का मिल रहा है अभी तक इस सामान को सिर्फ वही लोग खरीद पा रहे थे जिनकी इनकम सौ या उससे ज्यादा है अब उसी सामान को वो लोग भी खरीद पाएंगे जिनकी इनकम पचास या उससे ज्यादा है ठीक है तो क्या हुआ सिर्फ रेट कम होने की वजह से जो लोग थे मतलब कि जो लोग उस सामान को खरीदने वाले थे उनके नंबर भी बढ़ गया यानी कि अब ज्यादा लोग खरीद पा रहे हैं क्योंकि बहुत लोग ऐसे थे जिनकी इनकम कम थी वो नहीं खरीद पा रहे थे लेकिन रेट कम होने की वजह से वो लोग भी खरीद पाएंगे तो यही होता है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है तो वो सस्ता हो जाता है जिसकी वजह से जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो भी उसे अफोर्ड कर सकते हैं जिसकी वजह से डिमांड एक्सपेंड करती है चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है डिफरेंट यूजेस डिफरेंट यूजेस यानी कि अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ एक यूज नहीं होता जैसे मिल्क है मिल्क से हम बटर मिल्क भी बनाते हैं मिल्क से हम कर्ड भी बनाते हैं चीज भी बनता है पनीर भी बनता है है ना बहुत सारी चीजें बनती हैं ठीक है तो अगर मिल्क सस्ता होगा तो हम उसका ज्यादा से ज्यादा अलग अलग जगहों पर यूज कर पाएंगे तो यही होता है कि जब कोई भी ऐसी कमोडिटी जिसके उसके रेट्स कम होंगे तो उसको हम और भी ज्यादा यूज करेंगे अलग अलग जगहों पे यूज करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा डिमांड बढ़ जाएगी ठीक है तो ये थे पांच पॉइंट्स किस चीज के लेकर लॉ ऑफ डिमांड यानी कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है आप इसके सारे रीजन लिखेंगे ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्या है पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दूसरा इनकम इफेक्ट तीसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फोर्थ साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप एंड फिफ्थ डिफरेंट uses, ठीक है अब लास्ट टॉपिक क्या है इस वीडियो का एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड मतलब हमने अभी पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड यानी कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता होगा कि वो डाउनवर्ड गया ही नहीं होता है कि प्राइस तो कम हुआ यानी कि कोई चीज सस्ती तो हुई लेकिन उसकी डिमांड नहीं बढ़ी या फिर कोई चीज महंगी तो है लेकिन उसकी डिमांड कम नहीं हुई होता है क्या हाँ होता है बहुत सारे रीजन होते हैं देखो कई बार ऐसे होता है जो लग्जरी गुड्स है क्यों खरीदते हैं लोगों ने क्योंकि वो महंगे हैं ठीक है तो इन्हीं पॉइंट्स को ये सारे रीजन को हम तीन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे अगर आपसे पूछे जाए कि एक्सेप्शन क्या होती है तो आप ये तीनों पॉइंट्स लिख के आएंगे चलिए सबसे पहला क्या है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंगशन यानी कि ये वो सामान होते हैं जिन्हें खरीदा ही सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि उनके रेट्स हाई हैं क्योंकि वो महंगे हैं अगर उस सामान के रेट ही कम हो जाएंगे तो वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन रहेगा ही नहीं ठीक है एग्जाम्पल जैसे प्रीशियस डायमंड होते हैं ठीक है डायमंड है कोई बहुत ही महंगे डायमंड हैं या फिर विंटेज कार्स हैं इस तरह का सामान अगर वो सस्ता हो गया तो वो आर्टिकल रहेगा ही नहीं ऑफ डिस्टिंक्शन वो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंगशन रहेंगे ही नहीं चलिए सेकंड पॉइंट गिफ्ट एंड गुड्स गिफिन गुड्स क्या होते हैं ये हमने पहले भी पढ़ा है इनफीरियर गुड्स यानी कि लो क्वालिटी का सामान यानी कि कोई भी ऐसा सामान मान लीजिए चावल एक तो होता है बासमती राइस और दूसरा हो गया इनफीरियर यानी कि बेकार क्वालिटी का चावल है बिल्कुल तो कोई भी ऐसा गुड जिसकी क्वालिटी बेकार है अब अगर आपकी इनकम बढ़ भी रही है आपकी इनकम पहले हजार रुपए थी और अब दो हजार हो गई है तो क्या अब आप ये खराब क्वालिटी वाला खाना खरीदेंगे या अच्छी क्वालिटी वाला ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी वाला तो रीजन हुआ ना कि बेशक रेट तो सस्ता होता है ये बेकार क्वालिटी वाले सामान का रेट सस्ता है रेट कम है लेकिन फिर भी डिमांड नहीं बढ़ेगी क्या होगा डिमांड कम होगी उल्टा जब इनकम बढ़ रही है ठीक है गिफ एंड गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी का सामान होता है क्या होता है ये क्या दिखाते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट वही जो मैंने आपको बताया कि अगर इनकम बढ़ती है तो इनकी डिमांड कम हो जाती है क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदते हैं When price of such commodities fall, their demand also falls. जब इनके रेट कम होते हैं तो डिमांड भी कम हो जाती है मान लीजिए पहले जो इनफीरियर गुड है वो सौ रुपए का मिल रहा था ठीक है अब वो पचास रुपए का मिलने लगा है अब मान लीजिए कि जो अच्छी क्वालिटी का खाना है वो समवेयर अराउंड उसके रेट पहले डेढ़ सौ थे और वो डेढ़ सौ से कम होकर सौ पे आ गए हैं तो आप ये पचास वाला बेकार क्वालिटी का खरीदेंगे या पहले जो आप सौ में बेकार क्वालिटी खरीद रहे थे अब अच्छी खरीदेंगे ऑब्वियसली अच्छी तो यही रीजन होता है कि बेशक रेट कम हुए हैं लेकिन डिमांड नहीं बढ़ी है क्यों क्योंकि उसकी क्वालिटी बेकार है चलिए अब नेक्स्ट क्या है वेन कंज्यूमर जज क्वालिटी ऑफ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस देखिए जब सबसे पहले डव का शैंपू आया था कितने रुपए का आता था वो पांच रुपए का एक से आता था राइट right? उसके बाद क्या हुआ डेढ़ दो रुपए में भी आता है अब तो पांच में शैम्पू कंडीशनर दोनों ही चीजें आ जाती हैं तो बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि अच्छा इसके रेट कम हो गए हैं यानी कि इसकी क्वालिटी भी कम हो गई है लेकिन नहीं ऐसा जरूरी नहीं होता है कि अगर उसके रेट्स कम हुए हैं तो क्वालिटी भी बेकार होती है लेकिन बहुत सारे कंज्यूमर्स ये जज करते हैं कि हाँ रेट कम हो गए तो क्वालिटी भी बेकार हो गई इसकी वजह से वो सामान को खरीदते नहीं है तो क्या हुआ बेशक रेट्स कम हुए लेकिन डिमांड नहीं बढ़ी उल्टा कम हो गई ठीक है देखते हैं इस पॉइंट को देखिए इसमें हमने किस चीज के एग्जाम्पल दिया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का ऑर्गेनिक फार्म का आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि क्या करते हैं मैक्सिमम लोग जो रिच पीपल होते हैं क्या कंसिडर करते हैं कि हम ऑर्गेनिक ही चीजें ले ठीक है वो भी क्यों क्योंकि उनके रेट्स ज्यादा होते हैं द इमर्जिंग ट्रेंड टू बाय ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट एक्सप्लेन दिस फिनन पर बिकॉज ऑफ ह्यूज प्राइस डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द मार्केट क्शन ऑफ द सोसाइटी कंसिडर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एज ऑ वेरी हाई क्वालिटी अब हो सकता है कि इसीलिए जो रिचर सेक्शन है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को बहुत हाई क्वालिटी का मानता है क्योंकि उनके रेट्स बहुत ज्यादा है ठीक है तो इसी वजह से बेशक उनके रेट्स ज्यादा है उन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ती है ठीक है दिस इज वन ऑफ द रीजन जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है यानी कि बेशक रेट बढ़े हैं लेकिन जो जो डिमांड है वो कम नहीं होती ठीक है चलिए इस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा उसकी अजम्पन्स देखी हमने देखा कि डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है फिर हमने देखा कि लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन क्या है ठीक है इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करती हूं अगर आपको इस पूरे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी इशू आया हो या आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो डू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब द चैनल प्रेस द बेल आइकन थैंक यू